एक्सरसाइज 7.15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट आई इक्वल टू आपका दिया गया है इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा dx। अब यहां पर ध्यान देना है हम लोग को कि इसका आईसी किस प्रकार से किया जाए, समझते हैं, x बाय एक और डीसी करेंगे तो टोटल का डीसी कितना हो जाएगा माइनस 8x, इसका टोटल का डीसी कितना हो जाएगा माइनस 8x, तो माइनस 8x आ रहा है, ये 0 माइनस 4 है इनटू कितना हो जाएगा 2x के पावर 1 इनटू 1 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 8x, तो माइनस 8 से मल्टीप्लाई और माइनस 8 से का डिवाइड चला गया, माइनस 8 से मल्टीप्लाई और माइनस 8 से का हो गया डिवाइड, साफ चली को यहां माइनस 8 से मल्टीप्लाई और माइनस 8 से का हो गया डिवाइड, ये हो गया 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। देखिए पूरा नीचे वाला का डीसी सेट है तो जानते हैं ना लॉग मोड होता है, मालूम है ना कौन फॉर्मूला लगेगा, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, पूरा नीचे वाला का डीसी सेट है इंटीग्रेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग मोड x प्लस c, तो आइए लगाइए माइनस 1 बाई 8, ये कितना हो गया लॉग मोड 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, इधर का हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब उसके बाद आइए मेथड 2 से, मेथड 2 से जब करेंगे लेट i इक्वल टू x बाई कितना हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, ये सोचिए इसका डीसी करने कोई सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, डीसी करने पर एक्स आएगा ना जी, एक्स आई है, एक्स आई है ना, एक्स आई है, तो एक्स है तो टी, किसको टी मानेंगे, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x माइनस 4x स्क्वायर का डीसी सेट हो जाएगा, लेकिन 9 माइनस इसका भी डीसी सेट होगा, तो बड़का वाला को मानते हैं टी, तो टी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एस के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर जीरो हो गया माइनस 4 इंटू 2 एस के पावर 1 इंटू 1 इक्वल टू डी टी अपॉन का हो जाएगा डीएक्स, डीएक्स के मान निकालेंगे यहां से, डीएक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ये चल जाएगा वहां वो चला गया यहां डी टी अपॉन कितना हो जाएगा माइनस 8x। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए जिसको जिसको माने x ऐसे ही रहेगा नीचे t माने, ds के मान हो गया dt अपॉन माइनस 8x, 8x हो गया x, x का हो गया कैंसिल, माइनस 1 बाई x बाहर निकल गया 1 बाई t dt, तो 1 बाई t dt आ गया माइनस 1 बाई का हो गया 8 और log mod t हो जाएगा, 1 बाई x कैसे जानवे करते हैं log mod t प्लस c, t का मान रख दीजिए माइनस 1 बाई 8, ये हो जाएगा log mod t के मान कितना है आपका 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर। 16 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर, तो यहां पे चलेंगे आप जानते हैं लीनियर है e के पावर वे का डीसी e के पावर वे होता है, e के पावर वे मतलब e के पावर 2x प्लस 3 का डीसी e के पावर 2x प्लस 3 और बाय मुड़िया का डीसी से डिवाइड, मतलब आर्गुमेंट का डीसी से क्या होगा डिवाइड, आर्गुमेंट का डीसी के लिए 2 बाहर निकल गया, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 3 का डीसी x के रिस्पेक्ट में 0 और प्लस c डीसी द आपका हो जाएगा 1 बाई 2 e के पावर 2x प्लस 3 और प्लस c इधर का हो गया आंसर मेथड 2। हाँ मेथड 2, मेथड 2 में हो जाएगा i इक्वल टू आपका दिया हुआ इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 है और dx है, ठीक है। इसके बाद लेट करेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू, 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना t, कैसे इसको जान गए इसका कांस्टेंट कितना आएगा ध्यान से देखिएगा, इसका कांस्टेंट कितना आएगा, इसका डीसी करेंगे तो 2 आएगा, भाई साहब डीसी सेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे 2 आएगा तो डीसी सेट हो जाएगा ना, इसीलिए इसको कम आना है टी एस के सापेक्ष अवकलन करने पर,
एस के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर पानी हो गया, अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो अवकलन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे तो 2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू dt बाई dx, dt बाई dx हो गया, dx इक्वल टू देयर इंप्लाइज यहाँ लिख सकते हैं dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2, dt बाई कितना हो जाएगा 2। चलिए सबका मान रखिए i इक्वल टू हो जाएगा, इसको t माने i के पावर t हो जाएगा, dx के मान कितना हो गया dt बाई 2, dt बाई 2 1 बाई 2 बाहर निकल गया, e के 1 बाई 2 बाहर निकल गया, e कितना हो गया e के पावर t या dt, e के पावर t कैसे आप लोग क्या करते हैं जानते हैं 1 बाई 2 हो गया e के पावर t, और t के dc t के रिस्पेक्ट में डिवाइड प्लस c इक्वल टू 1 बाई 2 e के पावर t के मान रखिए कितना है, t के मान देखिए 2s + 3 2s + 3 प्लस का हो गया c इधर का हो गया आंसर 17। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, 17 नंबर वही क्वेश्चन है आपका, लेट थोड़ा सा अंतर है, लेट i इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना है x अपॉन ध्यान से देखिएगा e के पावर x स्क्वायर dx लॉग इसके सुनिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसको क्या लिखते हैं e के पावर माइनस x स्क्वायर इनटू x dx, इसका dc सेट कर रहे हैं, इसका dc क्या कर रहे हैं सेट कर रहे हैं, इसका dc कितना होगा माइनस 2x कितना होगा, तो e के पावर माइनस x स्क्वायर और माइनस 2x से मल्टीप्लाई यानी माइनस 2 से मल्टीप्लाई और माइनस 2 से क्या कर रहे हैं डिवाइड माइनस 1 बाई 2 फिर कट के उतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ऐसे क्यों किए, इसलिए किए कि इसका dc का है सेट है, और जब dc सेट होता है ना तो सीधे वह ic हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 i के पावर हुए k के पावर हुए माइनस x स्क्वायर प्लस c, कब जब dc सेट रहेगा तब, कब जब dc सेट रहेगा तब, आगे देखिए तो माइनस 1 बटा में 2 लिख देंगे और फिर नीचे आएगा तो e के पावर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c इधर का हो जाएगा आंसर। मेथड 2 से बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 से अब देखिए यहाँ पे लेट i इक्वल टू x बाई e के पावर कितना हो गया x स्क्वायर dx, यहाँ देखेंगे x स्क्वायर का dc सेट है तो लेट लेट x स्क्वायर इक्वल टू क्या मानेंगे t, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर करने पर ध्यान दीजिएगा s के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर का dc 2x पावर उतार के पावर घटा देंगे x का dc 1 इक्वल टू t का dc dt बाई कितना हो जाएगा dx, देयर इंप्लाइज dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन कितना 2x, i इक्वल टू सबको सेट करो ध्यान देना x है छोड़ दो x बाई कितना हो गया x x स्क्वायर को क्या माने t माने तो e के पावर कितना हो जाएगा e के पावर t, e के पावर कितना हो जाएगा t, और यहां देखिए आपका dx के मान आया, dx के मान कितना हो गया dt अपॉन 2x, x x का हो गया कैंसिल, ये हो गया कितना e के पावर ऊपर ले जाइए माइनस t और dt, अब e के पावर उहे के e के पावर उहे है c माइनस t, अब मुड़िया के dc से डिवाइड्स माइनस 1 आएगा, अब प्लस कितना आएगा c, और देखिए यहाँ पे 1 बाई 2 का निकल गया बाहर तो यहाँ हो गया 1 बाई 2, यहाँ कितना हो गया ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा यानी माइनस 1 बाई ऊपर चल गया माइनस 2 हो गया आई के पावर टी हो जाएगा प्लस सी, ये आ गया माइनस 1 बाई 2 आई के पावर टी का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर। इसके बाद में है 18 नंबर लेट आई इक्वल टू 18 नंबर कितना होगा e के पावर tan इनवर्स, tan इनवर्स कितना है x और y कितना है tan इनवर्स x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर कितना है dx, अब आप सोचिए यहां पर देखिए e के पावर लिख देता है कितना tan इनवर्स x, tan इनवर्स x है into 1 y कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर और dx 1 प्लस x स्क्वायर dx हो गया,
अब यहाँ पे देखिए इसका डीसी सेट है, टेन वर्सेस इसका डीसी का होता है वन बाई वन प्लस कितना एक्स स्क्वायर, इसका डीसी का सेट है। जब इसका डीसी सेट होगा तो इसका ई के पावर हुए के पावर हुए हो जाएगा, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स और प्लस सी का हो जाएगा आंसर। अब टी अब जिसको यहाँ पर ई के पावर टेन वर्सेस बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर है, टेन वर्सेस का डीसी सेट है इसलिए टेन वर्सेस को क्या माने टी, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, एस के सापेक्ष अवकलन कीजिए, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करिए भाई सबको, तो टाइम वर्सेस का डीसी होता है वन बटन वन प्लस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स का डीसी वन हो जाएगा इक्वल टू टी का डीसी, डी टी अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से डी एक्स का मान निकालिए, डी एक्स इक्वल टू आई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा हतना इंटू हतना कितना हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे लिखिए ना इसको पढ़ने पड़ेगा, नीचे लिखते हैं डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर आर डी डी टी, कोई दिक्कत नहीं है सबका मान फिलअप कीजिए, ध्यान दीजिएगा फिलअप करना इक्वल टू आई इक्वल टू लिखिए आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू जब लिखेंगे तो ई के पावर टेन वर्सेस को टी माने टी बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दो, वन प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दो गुणा में डी एस के मान लिखिए, डी एस का मान कितना है वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का हो गया डी टी, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू का हो गया डी टी हो गया, क्या हो गया डी टी का हो गया डी टी, अब देखिए यहाँ पर तो इससे ई का हो गया कट गया, क्या बचा ई के पावर टी डी टी, ई के पावर टी कैसे ई के पावर टी टी के डीसी से डिवाइड्स वन प्लस सी एक बार तो ई के पावर टी के मान रखिए टी मान कितना है टेन बस एक्स, टेन इनवर्स का हो गया एक्स प्लस सी ई का हो जाएगा आंसर। चले आगे चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आई इक्वल टू, देखिए आई इक्वल टू कितना है ध्यान से देखिएगा, ई के पावर कितना हो गया टू एक्स माइनस वन बटा में ई के पावर कितना हो गया टू एक्स प्लस कितना हो गया वन डी एक्स, ठीक है यहाँ पर डीसी सेट करेंगे तो डीसी सेट नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देखिए ई के पावर टू एक्स के ई के पावर टू एक्स हो गया डीसी टू एक्स का टू इंटू वन हो गया, अब प्लस वन के कितना हो जाएगा जीरो, तो इतना होना चाहिए जबकि दोनों है माइनस वन है तो कैसे होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, तो बहुत उपाय है इसका आइए करके दिखाते हैं। देखिए एक मेथड इसको बनाते हैं दूसरा मेथड वन से मेथड वन ध्यान से देखिएगा, ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स लिख दिया माइनस वन कोनो दिक्कत नहीं है, कैसे ऐसे हो गया क्योंकि एक बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे जोड़ेंगे, देन ई भी हो गया ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर कितना हो गया एक्स प्लस वन है ये क्या हो गया डी एक्स हो गया, तो ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे ध्यान से देखना ई के पावर एक्स इंटू तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए यहाँ पे क्या किया है कि ई के पावर एक्स कॉमन लिया तो ई के पावर एक्स बचेगा यहाँ वन बाई ई के पावर एक्स, जहां चीज नहीं रहता है वहां कॉमन लिया जाता है तो बटा में लिख दिया जाता है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी नहीं है बटा में लिख दो गुणा करके देख लो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स ई के पावर है एक्स कट जाएगा माइनस वन हो जाएगा ई के पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स कट गया प्लस का हो जाएगा वन कट गया, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ई के पावर एक्स हो गया माइनस ई के पावर माइनस एक्स लिख देते हैं ये बटा है प्लस में पावर तब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ई के पावर एक्स अब प्लस ई के पावर क्या हो गया माइनस एक्स डी एक्स, अब आपको विश्वास नहीं होगा डीसी सेट है करके देख लीजिए डीसी ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स से होता है इंटू एक्स के डीसी वन प्लस ई के पावर माइनस एक्स के ई के पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स के माइनस वन कुल कैलकुलेशन करेंगे जब तो कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स आ गया ऊपर वाला, तो डीसी का है सेट है डीसी सेट है, अब देखिए इसका डीसी आ गया आपका समझिएगा इसका डीसी आ गया ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे डीसी सेट है तो फॉर्मूला कौन लगेगा इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स बाई कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स हो गया डीसी का है सेट है और डीसी सेट है तो कितना होता है फॉर्मूला लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स लॉग मॉड क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी प्लस कितना हो जाएगा सी, अब देखिए यहाँ पे तो इसका इसका भी इसका कितना होगा बराबर लॉग मॉड नीचे वाला लॉग मॉड नीचे वाला तो लॉग मॉड ई के पावर एक्स माइनस प्लस है ना प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी इधर का हो जाएगा आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी को मेथड टू से बनाते हैं मेथड टू ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एक मेथड नया है थोड़ा सा हट करके पहले एक मेथड और बना लीजिए उसके बाद तीसरा मेथड बनाएंगे नया मेथड ई के पावर यहां तक लेकर आए करेंगे ई के पावर एक्स
डायरेक्ट ई के पावर एक्स इसे कॉमन लेगा तो ऐसे हो जाएगा, ई के पावर एक्स में से कॉमन लेगा तो ई के पावर एक्स माइनस हो जाएगा वन बाई ई के पावर कितना एक्स बाई ई के पावर एक्स कॉमन लेगा इधर से कॉमन लेगा तो ई के पावर एक्स कॉमन लेगा तो ई के पावर एक्स प्लस हो जाएगा कितना वन बाई के पावर माइनस प्लस एक्स। अब देखिए ई के पावर एक्स हो जाएगा डी एक्स, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाई ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर कितना हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। एक डीसी सेट है तो यहाँ पर ले आकर टी मानेगा, लेट ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेगा तो ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स एक्स के वन हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस एक्स के ई के पावर माइनस एक्स माइनस एक्स के माइनस का हो जाएगा वन हो जाएगा माइनस वन ठीक है। डी टी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, ठीक है डी सी डी टी बाई डी एक्स। अब आइए यहाँ पे ई के पावर एक्स हो गया माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो गया बराबर डी टी बाई कितना हो गया डी एक्स, यहाँ से निकालिए डी एक्स के मान तो डी एक्स यहाँ चल जाएगा दोनों यहाँ आ जाएगा मतलब ये हो जाएगा डी टी अपॉन ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब सबका मान इसमें रखिए जहां पर टी मान है यहां पर टी मान है आई इक्वल टू हो गया ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब भाई इसको टी मान है नीचे वाला वो अब गुणा में डी एस का मान आया है डी टी अपॉन कितना आया है ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो गया। ये पूरा सिस्टम इस सिस्टम से क्या हो गया कैंसिल बच गया वन बाई टी डी टी लॉग मॉड टी हो जाएगा प्लस सी लॉग मॉड टी का मान रखिए टी का मान कितना है टी कहाँ माना है यहाँ माना है ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर कितना हो गया माइनस एक्स प्लस सी का हो गया आंसर। एक और मेथड देख लेते हैं चेक करके उसके बाद 20 नंबर का लेट आई इक्वल टू बात नहीं देखिए इधर e के पावर कितना है 2x माइनस e के पावर माइनस 2x अब भाई e के पावर 2x अब प्लस e के पावर माइनस 2x। अब कॉमन सेंस नहीं लगाएगा देखो इधर कॉमन सेंस लगाओ इसका डीसी करके देखो इसका डीसी करके देखते हैं यार आए कि नहीं आ रहा तो इसका डीसी कीजिए डीसी करके आपको देखना होगा e के पावर 2x के e के पावर 2x 2x के 2 * का 1 माइनस e के प्लस e के पावर 2x के माइनस 2x माइनस 2x के माइनस 2 * का हो जाएगा 1 माइनस टू इंटू वन। अब इसमें टू कॉमन ले लो टू कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस का आ गया टू हाँ डीसी आ गया ऊपर वाला डीसी का हो गया आ गया है कोई दिक्कत नहीं है डीसी आ गया तो डीसी आ गया तो सेट करना है कि टी माना है। अब देखिए सेट करना होगा तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इतना लाने के लिए अगर टी मानना होगा तो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है इसको टी मान लेंगे सीधे इसको कहाँ मान लेंगे टी मान लेंगे ये देखेंगे कि इसका डीसी आ रहा है ना उतना में शामिल हो जा रहा है मतलब ये वाला तो शामिल हो जा रहा है तो टी मान लेंगे इतना ही को ठीक है लेकिन अगर आपको डीसी सेट को बनाना पड़ेगा हम फॉर्मूला पर तो आपको यहाँ लिखना होगा आपको यहाँ क्या करना होगा लिखना होगा टू से गुणा टू से क्या करना होगा पूरा का पूरा सेटल आना चाहिए तब जाकर फॉर्मूला लगेगा नहीं टी मानना होगा तो इसका डीसी सेट है तो इसी को क्या मान लेंगे टी मान लेंगे चले आगे देखिए तो यहाँ पे आप देख लिए कि डीसी में ये आ रहा है उसमें कोई दिक्कत का है नहीं है तो आप डीसी करके दिखाइए दे यहाँ डायरेक्ट लिख दो डीसी बराबर आया था कितना टू इंटू ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस टू एक्स। अब देखिए आपको डीसी सेट करने के लिए चाहिए टू चाहिए टू चाहिए तो ई के पावर कितना कर दिया टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस कितना टू एक्स अब बाई कितना हो गया ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स ये क्या हो गया डी एक्स। अब देखिए टू से मल्टीप्लाई किए हैं डीसी सेट करने के लिए टू टू से क्या करेंगे डिवाइड्स अब डीसी आपका क्या हो गया सेट हो गया जब पूरा नीचे वाला का डीसी सेट हो गया तो आप एकदम आराम से जानते हैं पहले वन बाई टू छाप लेंगे ये फॉर्मूला होता है लॉग मॉड नीचे वाला लॉग मॉड नीचे वाला यानी ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स प्लस का हो गया सी लेकिन अगर मेथड टू से बनाना होगा तो इसको क्या मानते हैं टी मानते बस समझ रहे हैं तो डीसी सेट करके देख लिया जाएगा कि किसको क्या मानना है टी फिसलेगा नहीं कभी डीसी सेट पर देखेगा तो इसका डीसी करने पर इतना आ रहा है इसीलिए इसको टी माने टी मानने के बाद
डीसी कर दिया, डीसी कर दिया, टू कॉमन ले लिया, टू कॉमन करने के बाद डीएक्स यहाँ चल गया, ये आ गया नीचे में, डीएस के मान निकाल दिया, डी टी बटा कितना हो गया, टू इन टू ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर माइनस टू एक्स हो गया। अब सबका वैल्यू रखिए, ऊपर वाला छापी है, नीचे वाला को टी माने तो टी रख दिए, मल्टीप्लाई में डीएस के मान रखिए, डीएस के मान निकाल चुके हैं, डी टी बटा टू इन टू ई के पावर टू एक्स माइनस ई के पावर कितना टू एक्स माइनस टू एक्स। अब देखिए इसे इसे कट गया, बच गया क्या वन बाई टू, ये टू बाहर निकल गया वन बाई टू, वन बाई टू ये बच गया वन बाई टी या डी टी, वन बाई टी का आईसी कितना होता है लॉग वन टी और प्लस सी लॉग छापा छापी लॉग और टी के मान रख दो, टी किसको माने हो ई के पावर टू एक्स प्लस ई के पावर माइनस टू एक्स, दिस इज द का हो गया आंसर मेथड टू बन गया। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेन स्क्वायर एक्स का आईसी नहीं होता, टेन स्क्वायर एक्स आईसी नहीं होता है, टेन स्क्वायर एक्स आईसी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स किसी का भी डीसी नहीं होता है, टेन स्क्वायर एक्स किसी का भी डीसी नहीं होता है। तो सोच रहे हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, फॉर्मूला एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्यों ऐसे लिख दिया सेक स्क्वायर में, क्योंकि सेक स्क्वायर जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी है, टेन एक्स का, टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का आईसी कितना हो जाएगा टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का आईसी कितना हो जाएगा टेन एक्स, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। ध्यान से देखिए अलग अलग कीजिए, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स अलग हो गया और वन डी एक्स का हो गया अलग। अब इसका आईसी होता है, कर दीजिए सीधे सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, टेन टू एक्स माइनस थ्री और मुड़िया का डीसी से डिवाइड टू इंट वन माइनस जीरो माइनस वन के आई सी कहो चाहे डी एस के आई सी कहो एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए एक्स, वाई के रिस्पेक्ट रहता तो वाई और प्लस सी, दिस इज द वन बाई टू टेन कितना हो गया टू एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स प्लस सी, इतना का हो जाएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहेंगे मेथड टू से बनाए तो आपको इतना करना होगा, इतना करने के बाद इसको खाली टी मानेंगे, समझ रहे हैं, इतना लाना होगा, लाने के बाद इतनी को टी मानेंगे, समझ रहे हैं, जैसे आइए दिखाते हैं, समझ आइए मेथड टू में थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ये हो गया टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री आइए क्या हो गया डी एक्स, इसको बदलते हैं कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री माइनस वन डी एक्स, यहाँ देखिए अलग अलग कीजिए सेक स्क्वायर कितना हो गया टू एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखिए यहाँ टी मानना होगा लेट टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टी, एस के सापेक्ष अवकलन करने को, एस के सापेक्ष क्या करने को अवकलन करने को, एस के सापेक्ष अवकलन टू इंटू वन माइनस जीरो इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपन कितना डी एक्स, डी एक्स देयर इंप्लाई डी एस के मान निकालिए डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई कितना डी टी बाई टू डी एस इक्वल टू, यहाँ भी लिख सकते हो जगह कम है डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई है चल जाएगा यहाँ ये चला गया हाँ टू, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देखिए सबका मान सेट कीजिए ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा इक्वल टू सेक स्क्वायर टी और डी टी का मान कितना डी एस का मान कितना है डी टी बाई कहता ना टू और माइनस इसका था ऐसे लिख दो प्लस कहेंगे ऐसी नहीं लिखेंगे क्या लिए ऐसी करेंगे कर दो वन डी एक्स इसको छोड़ दो इसके बारे में छेड़छाड़ नहीं करना वन बाई टू बाहर निकल गया सेक स्क्वायर टी का ऐसी टेन टी माइनस एक्स प्लस सी अब हो गया कहता ना वन बाई टू टेन टी के मान रखिए कहाँ है भाई साहब टी अब टी कहाँ माना है देखिए टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस थ्री था ना वो वन को बनवा रहे तुम लोग चलिए थ्री तो टू एक्स माइनस कितना हो गया थ्री माइनस एक्स प्लस कितना होगा सी इधर का हो गया आंसर दिस इज द दिस।